हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें क्योंकि ये रियल है दोस्तों। अबू धाबी गवर्नमेंट ने सीधा सारे लेबर कैंप पे छापा मारना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, एक लेबर कैंप में सीआईडी भी यहाँ पे है और सारा चीज़ ये चेक कर रहा है। तो प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तो देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर्स रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर बताते रहता हूँ। तो एक्चुअली ये अपडेट ये है दोस्तों कि बहुत सारे लेबर कैंप में, आपको भी पता होगा कि एक एक रूम में यहाँ पे जहाँ रहने की जगह 6 आदमी का है, वहाँ पे 10 आदमी, 12 आदमी, 14 आदमी कंपनियाँ रखती हैं। तो दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, एक अपडेट पहले ही जारी करके बताया था, बट सारे कंपनियाँ लोग अपना रूल रिलेशन नहीं संभाला तो अब सीधा छापा मारना स्टार्ट कर दिया। आप दिखाया मैं जैसे वीडियो में कि ये क्या हुआ दोस्तों, कि एक वर्कशॉप है जिसमें गाड़ी वगैरह का रिपेयरिंग करता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, लेबर लोग वहाँ पर अंदर में ही रहने स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह के लोगों के लिए बड़ा एक्शन लेने का अनाउंसमेंट कर दी है दोस्तों, कि अगर इस तरह, मतलब वर्कर को रहने के लिए रूम अच्छा देना पड़ेगा जो भी कंपनी यहाँ पे वर्कर को रखती है, और कोई भी इस तरह से अनलीगल तरीका से अगर रहता है, मान लीजिए किसी भी स्टोर में आप काम कर रहे हो या कोई शॉप में काम कर रहे हो या कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उसमें नहीं रहना है, आपको अलग कंपनी आपको अलग रूम देगी, वहाँ पे अच्छे से रहना। अगर आपके कंपनी में ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं दोस्तों, तो उस कंपनी को आप, खैर नहीं, पहले जैसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि अबू धाबी गवर्नमेंट ने सीधा एक्शन लेने अनाउंसमेंट कर दी है। पहले दोस्तों अबू धाबी से ही अनाउंस हुआ है, आपको भी पता है कि अबू धाबी गवर्नमेंट ज़्यादा ही कड़क है इस मामले में। तो गवर्नमेंट ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि बहुत सारे लोग क्या है, लेबर कैंप में, जो ओरिजिनल लेबर कैंप होता है बड़ा बड़ा, उसमें तो खैर ऐसा मामला बहुत कम है, बट छोटे मोटे जैसे बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में वर्करों को रखते हैं, जैसे छोटी छोटी कंपनियां, तो बहुत सारे वर्करों को एक रूम में रहने का जगह 4 होता है, तो उसमें 10-15 ऐसे करके डाल देती है, क्योंकि उन लोग को रेंट बचाना होता है। तो वैसे कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लेने का अनाउंसमेंट कर दिए दोस्तों। तो आपके रूम में कितने लोग रहते हैं या आपके लेबर कैंप में क्या सहूलत है दोस्तों, सर सफाई है कि नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने सभी कंपनियों को वार्निंग दे दिया है, मेल के थ्रू भी दिया है दोस्तों, और ये एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस पर ह्यूज अमाउंट फाइन भी आएगा और ऑनर को फिर ये जो पेपर है उस पर भी कोई रूल नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, जो कंपनी का लाइसेंस वो भी रिन्यूअल नहीं हो करा पाएगा जो भी कंपनी ऐसा करता है। बट दोस्तों, वर्करों को कंप्लेन करना पड़ेगा, पहले तो बगैर कंप्लेन का दोस्तों वहाँ पे पता नहीं चलता था कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट अभी गवर्नमेंट हर लेबर कैंप में जा रही है। आप लोग के भी लेबर कैंप में थोड़ा दिन पहले आपको पता होगा कि यहाँ मिनिस्ट्री के लोग जा जा कर पूरा चेक कर रहे थे, नाम भी लिख रहे थे। हमारे लेबर कैंप में दोस्तों आया था, बट आपके लेबर कैंप में आया है कि नहीं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके लेबर कैंप में क्या वर्करों की सहूलत अच्छा है कि नहीं, ताकि आपकी भी बात मैं आगे तक पहुंचा सकूं दोस्तों, क्योंकि 50-60 हज़ार खुद मुझसे वर्कर भाई जुड़े हुए हैं, और एक शेयर से दोस्तों आप लोग, क्योंकि वर्कर को ये लोग मतलब पहले जैसे रखते थे दोस्तों, अब वैसे नहीं रखते हैं, रूम का कम किराया देने की वजह से दोस्तों एक एक रूम में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी ऐसा रख देते हैं, और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अबू धाबी गवर्नमेंट ने कड़ा रूल, कड़ा एक्शन लेने का प्लान कर लिया है, अब कंपनियों को बिल्कुल खैर नहीं, उन लोगों का हालत ख़राब होने वाला है। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।